Hi guys, a very good evening to all of you. कैसे हो आप लोग? How are you all doing? Yes, जल्दी से बोल दो awesome sir. Yes guys, everyone tell me you guys are doing awesome in the chat box. Yes. Hi बेटा आरुषि श्रीवास्तव, good evening. Hi कुलदीप, मानवी, कसक, जूही, सुनिधि, अता, मार्क, आरुषि श्रीवास्तव अगेन, ग्रेट. प्रीबोर्ड के बाद खून के आंसू आ रहे हैं. कोई बात नहीं बेटा, सब आता रहता है. दीक्षा हेलो बेटा. तो गाइस वेरी गुड, अ वेरी वेलकम, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन. आज क्या करने वाले हैं गाइस, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का पूरा चैप्टर इस गाइस 1 आवर में कंप्लीटली रिवाइज करने वाले हैं. ठीक है, वी विल बी रिवाइजिंग दिस एंटायर चैप्टर इन 1 आवर. है ना बच्चे, इसको मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है. आई हैव टॉट यू दिस इन ग्रेट डिटेल. अब जाके देखना चाहते हो तो उसको देख सकते हो. बट राइट नाउ व्हाट आर वी गोना डू इज हम बहुत ही अमेजिंग चीजें पढ़ेंगे. अब बोलोगे सर हमने तो पढ़ रखा है चैप्टर, हम इसको दोबारा क्यों पढ़े? बेटा बिकॉज यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग तरीके से रिवाइज होगा. ठीक है, एंड आई विल यूज न्यू एग्जाम्पल, न्यू एनालॉजीज, जिससे कि आपके मन में ना जो मतलब जो चैप्टर है ना, इट वॉन्ट बी अ चैप्टर एनीमोर, इट विल बी अ पार्ट ऑफ यू. मतलब समझ रहे हो, एंड यू विल बी सो अमेज कि अरे यार ये क्या है. मतलब ऐसा हो जाएगा, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको, लगेगा ये तो मेरा पार्ट है. मतलब इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. मतलब जैसे कि आपको चाय बनाना आपकी पार्ट है ना, सुबह स्कूल जाना आपका पार्ट है, उसी तरह ये जो चैप्टर है इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. है ना बच्चे, तो इफ एनीथिंग इज यू पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज मतलब ये बहुत ही ईजी हो जाएगा गाइस, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ. और इसको जितनी बार आप पढ़ोगे ना मेरे साथ गाइस, आई विल बी टीचिंग इट इन अ डिफरेंट वे ओनली. कूल, यस. आगे चलते हैं इसी बात पे. बहुत हाइप कर दिया है हमने बेटा. ट्रस्ट मी दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसमें से यू नो 3-4 questions डेफिनेटली कम. एक क्वेश्चन तो जरूर आता है डायग्राम वाला, उसके अलावा भी 1-2 questions और आ सकते हैं. ठीक है, यस गाइस, एक डायग्राम वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, जो मैं बताऊंगा कि कौन सा आता है. ठीक है, आई विल टेल यू विच डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस चैप्टर. यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्लास 12th परस्पेक्टिव, बोथ फॉर बोर्ड एज वेल एज नीट. यस गाइस, सब्सक्राइब टू द चैनल एनसीईआरटी 11th एंड 12th. है ना बेटा, हियर वी आर डूइंग यू नो द रिविजन ऑफ द एंटायर क्लास 12th सिलेबस फॉर स्पेशली फॉर बोर्ड. यस गाइस, दिस इज वेदांतु, एनसीईआरटी 11th एंड 12th का टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन दैट ऑल्सो. मूविंग फॉरवर्ड, यस गाइस, देर इज ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर नीट. डू ज्वाइन इन गाइज, दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग, बिकॉज यू विल गेट एन ऑल इंडिया रैंकिंग बेस्ड ऑन दिस. द टेस्ट आर गोना बी ऑन 14th ऑफ मार्च एंड 21st ऑफ मार्च. हमारा नीट एग्जाम August 1 को होने वाला है ना बच्चे. गाइज प्लीज एनालाइज योर सेल्फ, आप देखो आप कितने पानी में हो. इवन इफ यू आर इन क्लास 11th, आई वुड से गिव द टेस्ट ना, कौन सा आपके पैसे, यू नो यू कैन गिव द टेस्ट. अपने आपको जज करो, है ना. Yes, then, yes guys, there will be 3 physics, 3 chemistry, 4 biology lectures, 40 questions per class, 20 questions after the class. Yes guys, 4 parts and 4 full syllabus. You can register in the link, guys, description box mein ek link hai, us pe register kar lo. Marathon, many of the class 11th student, theek hai bachche, jo class 11th ke hain, wo kahan ja rahe hain, class 12th mein ja rahe hain, but unke 11th ka, they are not confident. सर आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि वेदर आई डिड माई 11th ग्रेड प्रॉपरली और नॉट. ये सबके मन में होता है गाइस. टू बिल्ड अप दैट कॉन्फिडेंस वी हैव ब्रॉट दिस मैराथन इन विच वी विल बी रिवाइजिंग द एंटायर क्लास 11th. पूरा का पूरा क्लास 11th रिवाइज करेंगे 1 महीने के अंदर. कैन यू इमेजिन, 1 महीने में पूरा 11th और 12th रिवाइज करा देंगे हम आपका. ठीक है, दिस विल बी हेल्पफुल इन नीट गाइज. ठीक है, और आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस देगा फॉर बिफोर गोइंग टू द क्लास 12th. मूविंग फॉरवर्ड गाइज, देर आर प्रो courses which have started for class 11, that is bridge courses have started. ठीक है, आप लोग वो join कर सकते हो. 1 month का course, it is available for you, 3500 rupees. Then, especially for class 12th guys, if you are in class 12th guys, this is the course for you. And guess what, इसका price भी बहुत कम हो गया है अभी. Yes guys, these are the people who have got ranks, studied with us. Guys, the course price have become 6000 rupees, that is 40% off पे चल रहा है. 40% off पे गाइस, 6000 रुपीज का द कोर्स इज इफ यू यूज द कोड AMRCC. व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट दिस कोर्स, लेट मी टेल यू, लेट मी शो इट टू यू. देखो
व्हाट आई सपोज टू डू इज गो टू यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब पे क्लिक करा, एनसीईआरटी 11th एंड 12th, यस, इफ यू गो बिलो दिस वीडियो, ये मेरा वीडियो है, इसके नीचे गाइस इफ यू कैन सी, जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यस गाइस देयर इज अ पीडीएफ अवेलेबल ऑफ दिस सेशन आफ्टर द क्लास, यू कैन डाउनलोड दैट, यस Yes, you can download the Vedantu ka app. Yes, guys, you can join the test series alone. आपको बस test series join करना है, आप ये join कर सकते हो. Then, guys, yes, this is the crash course which you can join. Click on the crash course. This page will open. Guys, entire syllabus will be covered in 120 sessions. Okay, physics, chemistry, and biology. Upload a picture of your doubt and get instant replies. ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा mail पे doubts आते हैं, मैं solve नहीं कर पाता mostly, but कुछ जो मुझे लगता है कि बहुत ही important है वो कर देता हूँ. But guys, this is one stop solution for all your doubts. Then prevent time management strategy with India's top NEET coaches. मतलब आपको time management कि physics में कितना time देना चाहिए, chemistry में कितना time देना चाहिए, पता चला physics के एक numerical में मैं अटक के रह गया और बाकी मेरा bio और chemistry छूट गया. ठीक है, that is very very important and that you learn with the help of guys test series. You learn all these things with the help of test series. The time management, the difficulty of the question, the ranking, the weak points and the strong points. All that you learn from this. It is like training before the war. Yes guys, so you can train before the war, like live interactive sessions with the live coaches. All India test series, doubt solving, continued support and guys course structure. Each session is 90 to 120 minutes long. New batch starts every Monday. How do you take up? Yes guys, go for this code. Hai na, yahan pe jao. Yes. Click kiya, piche aaye. Buy now. And put the code. Yes guys. If you can see, you can get the course for 6,000 rupees. You are registered and you can start attending class. Guys, this course will be available till August 1st. जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक अवेलेबल रहेगा पूरा क्लास 11th क्लास 12th का कंटेंट अलोंग विद द टेस्ट सीरीज. ठीक है, मैं तो कहता हूं इसका पूरा बेनिफिट उठा सकते हो आप. ठीक है, वेरी गुड. तो मूविंग फॉरवर्ड विद द सेशन, वेयर वर वी, हियर. ठीक है, वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं. बाकी हम यहां पे तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं. ठीक है गाइस, अले चले. यस, तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं गाइस. यू कैन यू नो गो टू द लिंक और वहां से आप यहां पे पहुंचोगे एंड यू कैन अप्लाई द कोड एंड यू कैन गेट द कोर्स. वेरी गुड. तो गाइस, आई हैड गिवन यू एन एल्गी व्हिच कैन बी एम्प्लॉयड एज अ फूड फॉर ह्यूमन. यस गाइस, अरे यस यस गाइस, द आंसर इज क्लोरेला. वहां पे आंसर छूट गया, अरे क्या हो गया. यस गाइस, तो हमारे गुलशन है फ्रेंड, लव योर टीचिंग, ऑसम, सब समझ आ गया. थैंक यू बेटा, थैंक यू गुलशन. सुनिधि जी ने एक डाउट पूछा था, सर इफ बीओडी इज मोर देन द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड विल बी मोर और लेस. बेटा देखो, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस नहीं होता. लास्ट क्लास में हम ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर कर रहे थे, वी वर डूइंग ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. उसमें गाइस क्या होता था, अगर एक पानी है मेरे पास, उसमें अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो मुझे ज्यादा ऑक्सीजन देना पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इट इज, इफ हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर देयर, दैट इज हाई बीओडी इज नीडेड. इफ बीओडी इज हाई, दैट मींस देयर इज हाई ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर. यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग इन वाटर, इट इज प्रेजेंट इन द वाटर. यस, वेरी गुड. तो इसी बात पे आगे चलते हैं गाइस. एंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज गाइस क्लोरेला. क्लोरेला इज यूज्ड एज अ फूड, है ना. काजल शर्मा ने भी आंसर दिया था, सिमरन ठाकुर ने भी आंसर दिया है. थैंक यू बेटा, आगे चलते हैं. टुडे सेशन, एज आई टोल्ड यू, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं, है ना बेटे. वेरी गुड, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. व्हाट कैन वी लर्न बिकम्स अ पार्ट ऑफ हु वी आर. दैट्स मैं बता रहा था आपको. यस गाइस, आई वाज टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा था कि दिस चैप्टर विल बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ आफ्टर टुडेज क्लास. दिस चैप्टर विल बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. ठीक है, इतना आपके डीपली इनग्रेन्ड हो जाएगा. एज आई टोल्ड यू, सब्सक्राइब टू द चैनल. मूविंग फॉरवर्ड, अब बेटा हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़ते क्या है. बायोटेक में चैप्टर में हम पढ़ते क्या है गाइस, वी स्टडी अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग. मेनी स्टूडेंट्स कम रनिंग टू मी, सर मुझे जेनेटिक इंजीनियरिंग बनना है, मतलब मुझे जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, मुझे मुझे यू नो साइंटिस्ट बनना है. बट जेनेटिक इंजीनियर करते क्या है, व्हाट दे डू इज, सी फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, मुझे ये बच्चा है ना, ये मैं हूं, किसी को पसंद आए मेरे कैरेक्टर्स पसंद आए, मेरे कैरेक्टर मतलब मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया, तो वो क्या करेंगे बेटा, मेरा डीएनए लेके
वो एक ऐसे टीचर में डाल देंगे, ये दूसरे इंसान में डाल दिया, तो क्या होगा बेटा, ये इंसान बिल्कुल मेरी तरह पढ़ाने लग जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब आपको एक किसी का कैरेक्टर्स पसंद है, जैसे कि फॉर एग्जांपल से यू नो किसी को बनना है है ना, वो कहते नहीं है कि वो गाना सुना ना, मैं इतनी सुंदर हूं तो मैं क्या करूं, हाँ तो उसी तरह का कुछ कर रहा है, तो इतना सुंदर बनना है आपको, तो आप क्या करोगे, जो सुंदर बनता है उसका डीएनए ले लोगे और उसको अपने अंदर फिट कर दोगे। हाउ डू यू फिट इट, हाउ डू यू फिट इट, यस हाउ डू यू फिट इट, हाउ डू यू फिट इट, बाई जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जैसे कि मेरे को मेरे भाई की स्माइल बहुत अच्छी लगती है, तो मैं करूंगा उसका डीएनए लेके अपने में डालूंगा, तो मेरी स्माइल भाई जैसा जाएगी। ठीक है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, वेरी गुड। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है बेटा, हमें ऐसे टूल्स चाहिए जिससे हम डीएनए को काट सके, ऐसे तो टूल्स चाहिए। मान लो ये एक मेरा बच्चा है, ठीक है, मेरी क्लास में एक बच्चा है, ये वो है, यह है शानदार बच्चा, कौन सा बच्चा है, यह है शानदार बच्चा, ठीक है, ये शानदार बच्चा। अब ये बच्चा शानदार क्यों है, ये बच्चा शानदार क्यों है, क्योंकि शानदार बच्चे का शानदार डीएनए है, शानदार बच्चे का शानदार डीएनए, ठीक है, वेरी गुड, शानदार बच्चा शानदार डीएनए। अब बेटा जैसे कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए मैप चाहिए, उसी तरह मुझे एक शानदार बच्चा बनाने के लिए शानदार मैप चाहिए, जैसे कि डीएनए चाहिए। समझ पा रहे हो, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, क्योंकि मेरा डीएनए ऐसा है। सिमिलरली ये शानदार बच्चा शानदार क्यों है, क्योंकि इसका डीएनए बहुत शानदार है। समझ पा रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे शानदार बच्चे का डीएनए चाहिए, तो मैं क्या करना है, मेरे पास ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिससे कि मैं शानदार बच्चे का डीएनए निकाल पाऊं और इसको मैं सब बच्चों में लगा पाऊं ताकि सारे बच्चे शानदार हो जाए। ठीक है, तो ऐसा है, तो गाइस इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसी टूल्स चाहिए जिससे कि मैं डीएनए चेंज कर सकूं, मतलब अपुनिज भगवान, मतलब मैं भगवान बन सकता हूं, मेरे पास ऐसी पावर आ जाए तो मैं करूंगा सबका डीएनए चेंज कर दूंगा। जैसे कि मैं पकड़ा सिमरन ठाकुर, मैं सिमरन ठाकुर तुम्हारा डीएनए आज से हम चेंज करते हैं, और मतलब यू नो चेंज हो गए। आपने वो माइथोलॉजी में देखा था कि गॉड श्राप देते थे और डिसफिगर हो जाती थी बॉडी, भगवान कहते थे हम तुम्हें श्राप देते हैं और वो डिसफिगर हो जाती, तो लाइक वाइज समथिंग लाइक दैट हैपनी है, तो डीएनए चेंज कर सकते। अब ये डीएनए चेंज करना पॉसिबल क्यों हो पाया गाइस, पहली बात मेरे पास टूल्स आ गए, मेरे पास टूल्स आ गए जिससे कि मैं डीएनए को काट सकता हूं, मेरी मर्जी, मतलब मेरा डीएनए काटना है काट लिया, मैंने मानवी का डीएनए लिया, दीक्षा सिंगल का डीएनए लिया, दोनों का डीएनए लेके मैंने जोड़ दिया, मुझे मानवी दीक्षा बन गए, मतलब समझ रहे हो, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूं, है ना। मैं वो मन किया, मैंने अभिषेक सर का डीएनए लिया, मेरा मन किया मैंने अनुभव का डीएनए लिया, दोनों का डीएनए मैंने मिक्स कर दिया। ठीक है, तो अनुभव मैम आ रही है, हे बच्चा लोग दिस इज अनुभव मैम मास्टर टीचर ऑफ वेदांतु हियर, तो दोनों मिक्स हो गए, समझ पा रहे हो, तो आई कैन डू एनी थिंग, आई कैन कट द डीएनए एंड ज्वाइन द डीएनए। ठीक है, तो यार सेकेंड थिंग पता चला, मैं अभिषेक सर और अनुभव मैम का डीएनए मिक्स करना चाहता हूं, उतने में अंकना मैम का डीएनए बीच में आ गया, तो आई शुड बी एबल टू मेंटेन अ स्टराइल एनवायरनमेंट, मतलब एक बैक्टीरिया का डीएनए बीच में आ रहा है। ठीक है बेटा, तो आई शुड बी एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स इन सच एन एनवायरनमेंट जहां पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो बीच में, मतलब कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आ जाए। पता चला एक बैक्टीरिया आ गया, मैं अनुभव मैम और अभिषेक का मैच कर रहा था, उतने में एक बैक्टीरिया आ गया। ठीक है, अब मुझे पता है गेस कर लिया होगा आपने बैक्टीरिया कौन है, तो ठीक है, तो आई शुड बी एबल टू मेंटेन अ एम्बियंस, ऐसा एम्बियंस मैं मेंटेन कर लूं जिसमें ऐसा एम्बियंस मैं मेंटेन कर लूं जिसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो, तभी मैं ये सब पॉसिबल होगा। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। नाउ अब गाइस जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल कैसे हुआ, पॉसिबल पहले हुआ, पहले तो मैं क्रिएट कर सकूं, मैं ऐसा डीएनए क्रिएट कर सकूं जो कि अनुभा मैम का भी हो, ठीक है, और अभिषेक सर का, मतलब ऐसा डीएनए दोनों के डीएनए को मिला के मैं एक डीएनए बना पाऊं। सेकेंड थिंग इज गाइस जिसकी मैं क्लोनिंग कर पाऊं, क्लोनिंग मतलब जिसकी मैं मल्टीपल कॉपीज बना पाऊं। अब बच्चे पूछे कॉपीज क्यों बना रही है, बेटा आप देखो एक बात देखो, मैं बार बार अभिषेक सर और अनुभव का डीएनए लेके आके जोड़ता सुनने लगूंगा, इससे मैं कहूंगा एक बार अभिषेक सर का डीएनए दिया, अनुभव का डीएनए दिया, दोनों को ज्वाइन किया और उसकी बहुत सारी कॉपीज बना लूंगा, जेरोक्स बना लूंगा, ताकि क्या पता कल को अभिषेक सर भाग गए, अनुभव मैम भाग गई, तो मैं उनका डीएनए कहां से लेता फिरूंगा, वहां पर ढूंढ तो नहीं पाऊंगा मैं, इसलिए मैं क्या करूंगा, जैसे ही मुझे वो देखे दोनों का डीएनए ले लिया, उसको मैंने ज्वाइन करा और उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लूंगा मैं। ठीक है, तो यूज ऑफ जीन क्लोनिंग टू मेक मल्टीपल कॉपीज सो दैट आई डोंट हैव टू रिपीट द अर्लियर प्रोसेसेस। ठीक है, देन जीन ट्रांसफर, अब मेरे पास दोनों का डीएनए आ गया, अब मुझे ऐसी टेक्निक चाहिए जिससे मैं
ये जो अभिषेक सर और आपका डीएनए इसको मैं हर्ष सर के अंदर पास कर सकूं। ठीक है, अब मुझे ऐसा कुछ चाहिए ठीक है जिससे कि मैं ये वाला डीएनए इनके अंदर जीन ट्रांसफर करना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब ये ट्रांसफर भी तो होना चाहिए। हर सर बोले मैं नहीं लूंगा, ट्रांसफरिंग ऑफ द जीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई शुड बी एबल टू ट्रांसफर द जीन। यस, तो इसके लिए भी मुझे कोई टूल्स चाहिए, इसके लिए भी मुझे टेक्निक चाहिए। तो क्या कि मैं ट्रांसफर, तो ये तीन चीजें समझ आ रही है यार, ये तो बहुत ही ईजी है यार, ये तो मैं बच्चों को भी समझा सकता हूँ, कोई सेवेंथ एट्थ का बच्चा भी होगा ना उसको समझ आएगा कि कैसे बनाओगे। मैं डीएनए काटूंगा भैया, डीएनए को ज्वाइन करूंगा और डीएनए किसी के अंदर डाल दूंगा, तो मेरे को क्या चाहिए होगा, सीजर चाहिए होंगे काटने के लिए, मुझे ज्वाइन करने के लिए टेप चाहिए होगी, मुझे ट्रांसफर करने के लिए भी कुछ चाहिए होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस पारस यदुवंशी, थैंक यू बेटा। पारस कह रहे हैं हमें हार्ट ऑफ वेदांतु, वाह, तो किडनी कौन है? यस वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब ये शानदार बच्चा, ठीक है, ये शानदार बच्चे का डीएनए, बेटा मेरे को ना शानदार बच्चे का सारा डीएनए नहीं चाहिए, है ना बेटा, मुझे शानदार बच्चे का सारा डीएनए नहीं चाहिए। शानदार बच्चे का ना मुझे सब पसंद है, बट शानदार बच्चे के ना पतले पतले हाथ है। गाइज आई एम नॉट बॉडी शेमिंग शानदार बच्चा, ठीक है, मैं शानदार बच्चे की बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूं, ठीक है, चलो है ठीक है। अब मुझे शानदार बच्चे के मतलब हाथ नहीं पसंद है ना, ठीक है, मुझे ऐसे हाथ नहीं चाहिए, तो मैं करूंगा शानदार बच्चे के, लेकिन मेरे को बाल बहुत सही लगे, शानदार बच्चे के सात बाल है, शानदार बच्चे के सात बाल है, तो मैंने कहा मेरे को भी सात बाल चाहिए, तो मुझे बस शानदार बच्चे का छोटा सा ये बाल वाला डीएनए चाहिए, मुझे बाकी डीएनए नहीं चाहिए। बच्चे की मुझे स्माइल भी नहीं चाहिए, है ना, मुझे आर्म्स भी नहीं चाहिए, मुझे इसके लेग्स भी नहीं चाहिए, मुझे बस इसके बाल वाला डीएनए चाहिए, इसके बाल वाला डीएनए है, ठीक है। तो मैंने आइडेंटिफाई करा मुझे शानदार बच्चे के बाल वाला डीएनए, तो मेरे को बस यही वाला डीएनए चाहिए, मुझे पूरा शानदार बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बस इसका यही चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। देन इससे मैंने काट लिया, इसको मैंने काट लिया, फिर अब इसको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा अपने अंदर, दिस इज मी, आई विल इंट्रोड्यूस दिस डीएनए इनटू मी, देन आई विल आल्सो हैव सेवन हेयर, ठीक है। तो ये हो गया, पहला होता है गाइस थ्री बेसिक, यस थ्री बेसिक स्टेप, फर्स्ट इज आइडेंटिफाई व्हाट पार्ट ऑफ द डीएनए यू वांट, ठीक है, है ना। अब है गणेश, गणेश आ गया हमारी क्लास में, गणेश बोले कि सर मुझे 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 ना क्या कहते हैं मिहिर का, मिहिर मिहिर कह रहे हैं मैथ्स बड़े, ऑब्वियसली मैथ्स इज बेस्ट, तो मुझे ना मिहिर का ना मुझे मिहिर की स्माइल चाहिए। मैंने कहा ठीक है मिहिर की स्माइल ले लो तथास्तु, तो मिहिर की बस हमें डीएनए, मिहिर का स्माइल, मैंने मिहिर को पकड़ा, मैंने कहा मिहिर इधर आओ, मैंने बोला मिहिर अपना डीएनए देना थोड़ा सा, मिहिर बोला अच्छा सर, थू, मिहिर ने थोड़ा स्पिट करा, तो हमने उसको टेस्ट ट्यूब में लिया और मिहिर का डीएनए आ गया हमारे पास, ठीक है। तो मिहिर के डीएनए से हमने मिहिर के स्माइल वाला डीएनए लिया और उसको मैंने यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये कौन सा बच्चा था, भूल गया, गणेश, ये गणेश था। अब गणेश कह रहा है कि सर नहीं मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे मिहिर का डीएनए नहीं चाहिए, मुझे मिहिर का डीएनए नहीं चाहिए, अब मुझे और कोई चाहिए। मैंने कहा मिहिर बेटा इधर आओ, सॉरी गणेश बेटा इधर आओ, गणेश की मैंने खूब पिटाई करी, मैंने कहा गणेश बेटा इतनी मुश्किल से पहले तो मैं मिहिर का डीएनए लेके आया, उसको काटा और मैंने उसके अंदर आपके डाला, और अब आप कह रहे हो नहीं मिलेगा चाहिए, आपको यही लेना पड़ेगा, अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो गाइस दैट इज थर्ड थिंग इज मेंटेनेंस, मतलब जबरदस्ती उसको अंदर रखो, बोलो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपको यही मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेंटेनेंस ऑफ द कैरेक्टर, यस डिड यू अंडरस्टैंड? चलो वेरी गुड, तो इसे कहते हैं गाइस मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए, समझ आया? पहले जो चाहिए उसको चुनो, उसको काटो, फिर उसको रखो, उसको जबरदस्ती रखो वहां पे, मेंटेन कराओ। एवरीवन लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स गाइस, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन, वेरी गुड। अब मान लो मैं हूं साइंटिस्ट, मैं हूं साइंटिस्ट, ठीक है,
मैंने अपने आप को थोड़ा ज्यादा स्मार्ट बना लिया, तो मैं हूं साइंटिस्ट, ठीक है। अब मैं हूं साइंटिस्ट, जेनेटिक इंजीनियर, मैं हूं जेनेटिक इंजीनियर। मेरे पास कोई भी आता है उसको मैं कोई भी कैरेक्टर दे देता हूं, और उसको मतलब मैं वो वाले कैरेक्टर देता हूं। मतलब जैसे कि कल मेरे पास आया है ना आकांक्षा महाजन, आए आकांक्षा महाजन, आए सर सर मुझे मुझे क्या कहते हैं मुझे मुझे ऐसा दिमाग दे दो कि मैं डॉक्टर वाला ब्रेन दे दो मुझे। मैं आकांक्षा बेटा आपको मिल जाएगा डॉक्टर वाला ब्रेन, ठीक है। तो मेरे पास जो भी आगे कुछ भी मांगता मैं दे सकता हूँ कैसे, ठीक है, क्योंकि मैं उनका डीएनए चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं हूँ डीएनए चेंज करने वाला, तो मैं डीएनए चेंज करने वाला हूँ, तो मेरे पास कुछ टूल्स होने चाहिए। लाइक यू गो टू अ कॉबलर, जूता सही करने वाला होता है, उसके पास टूल्स होते हैं, उसके स्पेसिफिक टूल्स देखें, कारपेंटर उसके टूल्स होते हैं। लाइक वाइज मैं हूँ डीएनए चेंज करने वाला, मेरे पास टूल्स हैं। क्या क्या टूल्स हैं? पहले है मेरे पास पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम। अभी पॉलीमरेज एंजाइम क्या, इट इज लाइक अ जेरॉक्स मशीन, पॉलीमरेज इज लाइक अ जेरॉक्स मशीन, मतलब इट हेल्प्स मी टू मेक मल्टीपल डीएनए कॉपीज, इट हेल्प्स मी टू मेक कॉपीज ऑफ डीएनए, ठीक है, वेरी गुड। देन आई हैव होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब मेरा कस्टमर जो मेरे पास आया है, जो मेरे को कहता है कि मेरे को ये डीएनए चाहिए, जिसके अंदर आई एम गोना मेक द चेंजेस, जिसका डीएनए आई एम गोना चेंज, दैट इज होस्ट ऑर्गेनिज्म। देन देयर इज अ वेक्टर, देयर इज अ वेक्टर। फॉर एग्जांपल वेक्टर क्या होता है बेटा, जैसे कि मोची होता है, इफ यू हैव सीन मोची एज इन कॉबलर, कॉबलर व्हाट डज ही डू इफ ही हैज टू सू, मोची को अगर जूता सीलना होता है वो क्या करता है, एक सुई लेता है, सुई से जूते को सील देता है ना, उसी तरह तो सुई तो अंदर नहीं रह जाती जूते के अंदर, उसी तरह वेक्टर, व्हाट डज अ वेक्टर डू, वेक्टर हेल्प्स मी टू पुट द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट, है ना, समझ पा रहे हो, मतलब वेक्टर क्या करता है, मुझे हेल्प करता है जो जीन होता है उसको अंदर डालने में, ठीक है, वेरी गुड। देन फिर होता है लाइगेस, लाइगेस इज लाइक द गम, अब मोची के पास गम होता है तो लाइगेस इज द गम विच हेल्प्स मी टू स्टिक द डीएनए। फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज लाइक अ कटर, द मोची हैज कटर, है ना बेटा, मोची के पास कटर होता है, यस, तो दिस इज माय कटर। सी मैं जेनेटिक इंजीनियर बन जाता हूँ, मैं कॉबलर बन जाता हूँ, मैं शानदार बच्चा बन जाता हूँ, यस यस, तो समझ रहे हो कितना। तो गाइस आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, तो दीज आर माई टूल्स, दीज आर माई टूल्स, ठीक है, वेरी गुड। मूविंग फॉरवर्ड, अब जो मेरा कटर होता है ना बेटा, जो कटर, द कटर इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, द टूल विच आई यूज टू कट द डीएनए इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, वेरी गुड। द फेमस टूल, द फेमस, जो मेरा फेमस कटर है, दैट इज इको आर आई। अब ये इको आर आई मतलब, ई मतलब होता है बेटा जीनस ऑफ द स्पीशीज, सी होता है स्पीशीज, आर आई इज द स्ट्रेन, आर इज द स्ट्रेन, है ना, मतलब ये गाइस ये वो वाला एंजाइम होता है जो मैंने एक बैक्टीरिया से निकाला है, मतलब मानो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया ये एंजाइम बनाता है, ठीक है, मैं इसके, ये मेरा सप्लायर है, मुझे कभी भी कोई एंजाइम चाहिए होता है मैं बैक्टीरिया के पास जाता हूं और मैं इससे जाके एंजाइम लेके आ जाता हूं, ठीक है बेटा। इसका नाम है ई, ई जीनस है, यो स्पीशीज है यस गाइस, एंड स्ट्रेन इज आर, आर इज रफ स्ट्रेन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एंड वन इज द ऑर्डर इन विच इट इज डिटरमाइंड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मतलब एक बैक्टीरिया है जो ये वाला एंजाइम बनाता है, मतलब एक बैक्टीरिया है जो कि ये एंजाइम बनाता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये इको आर आई बनाता है। जैसे कि आप गाइस कोई एसिड लेने जाते हो या फिर यू नो लाइजॉल लेने जाते हो, किससे लेके आते हो, उसी तरह मैं एंजाइम किससे लेके आता हूँ, मैं इको आलाई, इको आर आई बैक्टीरिया, यू नो इकोलाई बैक्टीरिया से लेके अपना एंजाइम लेके आता हूँ। ये एंजाइम क्यों चाहिए होता है मुझे, ये हेल्प करता है मेरे को डीएनए को काटने में, इट हेल्प मी टू कट द डीएनए, ओके यस। आगे चलो, अब बेटा जो ये बैक्टीरिया का एंजाइम दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस, मतलब बेटा देखो ये मेरा डीएनए है, ठीक है, एक कटर है जो मुझे हेल्प करता है कटिंग फ्रॉम द एंड्स, विच हेल्प मी टू कट द एंड, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोन्यूक्लियस, द एंजाइम विच कट्स द डीएनए फ्रॉम द एंड्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोन्यूक्लियस, द एंजाइम विच कट्स फ्रॉम द सेंटर, दैट इज एंडोन्यूक्लियस, समझ पा रहे हो। मैं क्या हूं, आई एम अ कॉबलर, आई कट डीएनए, व्हेन आई कट डीएनए फ्रॉम द साइड्स व्हाट डू आई यूज, आई यूज एक्सोन्यूक्लियस, व्हेन आई हैव टू कट द डीएनए फ्रॉम द सेंटर आई यूज एंडोन्यूक्लियस,
ठीक है बेटा, व्हेन आई कट फ्रॉम द साइड्स व्हाट आई प्रोड्यूस इज ब्लंट एंड्स, ब्लंट एंड्स. व्हेन आई कट डीएनए फ्रॉम द एंड्स व्हाट डू आई प्रोड्यूस, आई प्रोड्यूस ब्लंट एंड्स. When I use exonuclease, what do I produce? Blunt ends. But when I use endonuclease, what do I produce? I produce something called as sticky. Sticky ends. What do I produce? I produce sticky ends. Sticky ends means chipakke, chipku ends. Are you getting what? But DNA ka, why was I cutting the DNA? So that I can stick them. Why was I cutting the DNA? Hai na? So that I can put them or stick it to someone else's DNA. So tell me which enzyme I will be using most. Will I be using exonuclease or endonuclease most? Exactly. I will be using endonuclease. Hai na beta? Very good. There are many different types of endonuclease. Kuch hote hain Hind 3. Ek hota hai Hind 3 is the first. Sorry, Hind 2. Hind 3 bhi hota hai. Theek hai? They, yes guys, अब देखो, अब जो endonuclease होता है ना बेटा, endonuclease क्या ये है? Enzymes है, ठीक है? Now please focus. अब ये बेटा, ये बहुत ही choosy है. The endonuclease are very choosy. है ना बेटा? Choosy मतलब ये नहीं कि वो जो मुर्गे का बच्चा type choosy. Choosy means they choose very carefully. For example, I'll tell you, बेटा, all endonuclease have a site called as recognition site. They have a recognition site. मतलब हर endonuclease, जैसे कि मान लो एक है सुनिधि, एक endonuclease है ना, और फिर मान लो जूही एक endonuclease है ना, और अता एक endonuclease है. मतलब ये सब अलग अलग, ये वो नहीं होते क्रिमिनल मास्टर माइंड, ये कहते हैं है ना, तो वैसे क्रिमिनल्स हैं, सॉरी क्रिमिनल्स कह रहा, सॉरी माय बैड टच वुड, नॉट क्रिमिनल्स, मतलब ये वो वाले बच्चे हैं जो ना क्या कहते हैं, और ओहो मैं क्या बताऊँ, मतलब समझ गए, आई गेस आप समझ गए, आप सब एंडोन्यूक्लियस हो, ठीक है. तो बेटा ये ना पर्टिकुलर, मतलब जैसे कि कुछ होते हैं ना कि मैं बच्चों पे हाथ नहीं उठाता, मैं लड़कों पे हाथ नहीं उठाता, मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, वैसे टाइप्स, ठीक है. तो गाइस दे अटैक एट अ पर्टिकुलर, से दिस इज वन एंडोन्यूक्लियस वन, दिस एंडोन्यूक्लियस टू, दिस एंडोन्यूक्लियस थ्री. तो ऑल ऑफ देम हैव देयर पर्टिकुलर साइट वेयर दे विल एक्ट. मतलब ये मान लो एक्ट करता है जहां पे एटी होता है, ये वाला एक्ट करता है जहां पे मान लो सीसीजी होता है, ये वाला एक्ट करता है जहां पे मतलब टीटीटी होता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ये टीटीटी, ये सीसीजी, ये क्या है? दीज आर गाइस सीक्वेंस. याद है नाइट्रोजन बेस, डीएनए में क्या होता है, डीएनए में क्या होता है, डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस होते हैं. सो ए है यहां पे क्या होगा, टी, यहां पे सी है यहां पे होगा जी, यहां पे जी जी है यहां पे क्या होगा, सी सी हो गया, यहां पे टी हो गया, तो यहां पे क्या होगा, ए. दिस इज आवर डीएनए इज राइट. तो द एंडोन्यूक्लियस विल लुक, जैसे कि आप लोग बहुत चूजी हो ना खाना खाने के लिए कि आज तो मैं यही खाऊंगा या आज तो मैं यही खाऊंगी, उसी तरह गाइस ये क्या अटक गया क्या, एक तो जिंदगी में फोकस ला का बहुत प्रॉब्लम है, हम फोकस नहीं करते तो हमारा कैमरा फोकस नहीं करता है ना, हमारा कैमरा फोकस करता है तो हम फोकस नहीं कर पाते हैं, बहुत परेशानी है जिंदगी में, क्या कहते बच्चों. तो पूरा जिंदगी में बहुत, मतलब बच्चे फोकस नहीं कर रहे होता, आजकल होता कैमरा फोकस नहीं होता. मतलब पहले जिंदगी में होता था कि हमें फोकस नहीं है, बच्चा फोकस नहीं है, आजकल कैमरा फोकस नहीं है, कुछ भी फोकस हुआ नहीं है. तो इसी बात पे यस है ना बेटा, बहुत डरपोक हो गए हैं हम सुनिधि, जिंदगी ने हमें बहुत डरपोक बना दिया है. गाइस लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, आई कैन सी 88 लाइक्स, इसको 100 लाइक्स करो. और आजकल तो मैं बहुत ही ब्लैकमेल कर रहा हूँ बच्चों को, मुझे पता चला है. यस गाइस, तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. यस, तो मूविंग फॉरवर्ड गाइस, तो ठीक है, तो एवरी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंड दे हैव अ डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट मेरे बच्चे, ठीक है, समझ पा रहे हो? अगर मुझे डिफरेंट जगह पे काटना तो मेरे को डिफरेंट एंडोन्यूक्लियस बुलाना पड़ेगा, अगर मुझे डिफरेंट जगह पे काटना तो मेरे को डिफरेंट एंडोन्यूक्लियस, मतलब समझ पा रहे हो? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे गड्ढा खोदना है,
ठीक है मुझे गड्ढे खुदवाने हैं, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मेक गड्ढास, आई हैव टू मेक मेनी गड्ढास। अगर मुझे साइट ए पे गड्ढा खुदवाना है, इफ आई हैव टू मेक गड्ढा एट साइट ए, आई विल कॉल हिंद वन, बिकॉज हिंद वन डज खटा अट साइट ए। मुझे साइट बी पे खुदवाना है तो आई विल ब्रिंग हिंद थ्री। अगर मुझे साइट सी पे खुदवाना है तो आई विल ब्रिंग यस गाइस बैम एच वन और समथिंग लाइक दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो डिफरेंट प्लेसेस के लिए डिफरेंट एंडोन्यूक्लियस आर यूज। तो गाइस देयर आर मेनी एंडोन्यूक्लियस विच वी हैव फाउंड आउट। हम लोग क्या है, हम साइंटिस्ट, हमने बहुत ज्यादा एंडोन्यूक्लियस फाइंड कर रखे हैं अभी तक, ठीक है। एंड देयर आर न्यू एंडोन्यूक्लियस बीइंग फाउंड। आपने रिसेंट सुना होगा क्रिस्पर कैस नाइन, किसने सुना है क्रिस्पर, किसने क्रिस्पर के बारे में सुना है? सर क्रिस्पर, मुझे तो क्रिस्पी पोटेटो पसंद है, क्रिस्पर नहीं सुना मैंने, क्रिस्पी पोटेटो के बारे में सुना है। तो बेटा क्रिस्पर इज अ न्यू एंजाइम विच हेल्प्स टू कट ह्यूमन डीएनए एंड हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। ये हेल्प करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, इट इज कंसिडर एज अ वेरी यू नो वे फॉरवर्ड, मतलब बहुत ही अच्छा एंजाइम माना जाता है, ये सब कुछ काट देता है, ठीक है, वेरी गुड। अब बेटा ये जो रिकग्निशन साइट होती है ना, ये रिकग्निशन साइट ऑलवेज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, मतलब मैंने बताया था कि सारे एंजाइम का एक रिकग्निशन साइट होता है। अब रिकग्निशन जो साइट होता है बेटा, इट इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस लाइक दिस विच रीड्स द सेम GATTC, यहां देखो GAATTC, तो इट रीड्स द सेम व्हेन रेड फ्रॉम दिस साइड और व्हेन रेड फ्रॉम द अदर साइड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एज अ रिकग्निशन साइट, ठीक है। तो मैंने बताया रेस्ट्रिक्शन क्या बताते हैं, स्टिकी एंड्स बनाते हैं इफ दे आर एंडोन्यूक्लियस, इफ दे आर एक्सोन्यूक्लियस दे प्रोड्यूस ब्लंट एंड, एंड व्हाट डू वी वांट, वी वांट स्टिकी एंड्स, हमें चिपकू एंड्स चाहिए, राइट, वेरी गुड। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायग्राम ये एग्जाम में आ सकता है, विच इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये है फॉरेन डीएनए, इफ यू कैन सी दिस इज फॉरेन डीएनए, I know you cannot see but I will tell you this is foreign DNA, this is a vector, vector matlab dekho vector is something which helps in transmission, jaise ki female anopheles mosquito is the vector of malaria, matlab ye malaria wale organism ko aapke andar chhodta hai, usi tarah ye wala vector kya karta hai, ye jo foreign DNA hai usko mere andar chhodega, matlab mere ko chahiye Virat Kohli ka DNA, to ye Virat Kohli ka DNA maan lo, ये वो मक्खी है मान लो जो मेरे अंदर वो डीएनए को रिलीज करेगी, समझ पा रहे हो मेरी बातों को, वेरी गुड वेरी गुड। तो गाइस सी, इफ आई एम यूजिंग सम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मान लो मैंने यूज करा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो डोंट यू थिंक अगर मैंने मेरा एंडोन्यूक्लियस इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है, तो इट विल कट एट द सेम लोकेशन, इट विल कट बोथ द वेक्टर एंड द फॉरेन डीएनए एट द सेम लोकेशन, एंड जब वो चिपकेंगे तो इट विल बी इजी फॉर देम टू स्टिक। फॉर एग्जांपल सी, ये रहा फॉरेन डीएनए, इफ यू कैन सी हियर दिस इज अ फॉरेन डीएनए, इट हैज बीन कट, इट हैज बीन कट, ये देखो यहां पे, देखो यहां पे छोटा सा जगह है, ये देखो यहां पे स्पेस है, यहां पे आई कैन फिक्स द दिस पार्ट, दिस डीएनए को आई कैन ज्वाइन, ठीक है बेटा। ये जो वेक्टर होता है ना बेटा, जनरली वेक्टर, ये वेक्टर होता क्या है बेटा, वेक्टर इज बेसिकली मान लो बैक्टीरिया है, ये क्या है हमारा बैक्टीरिया, फिर से आ गया बैक्टीरिया बेटा। बैक्टीरिया के अंदर हमें पता है जेनेटिक मटेरियल इज लाइंग इन द साइटोप्लाज्म, वी कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, बट अपार्ट फ्रॉम द मेन जेनेटिक मटेरियल इट आल्सो हैज अ सर्कुलर डीएनए। बेटा जब भी आप बैक्टीरिया के बारे में बात करते हो, इसके अंदर एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम कहते हैं प्लास्मिड, व्हाट डू वी कॉल इट एज, वी कॉल्ड एज प्लास्मिड, मतलब समझे, मतलब मान लो ये है डीएनए, डीएनए के अलावा जेनेटिक मटेरियल होता ही है जो कि प्लाज्मा लाइन, उसके अलावा एक डीएनए होता है जिसको प्लास्मिड, ये प्लास्मिड जो होता है ना बेटा, ये इट इज अ वेरी एक्सीलेंट कैरियर और अ वेक्टर, इट्स अ वेरी एक्सीलेंट कैरियर और अ वेक्टर, ठीक है। तो उसको हम यूज करते हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने इस बैक्टीरिया में से ये वेक्टर निकाला, इसमें ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला और फिर इसको वापस इसके अंदर डाल दिया बैक्टीरिया के अंदर। अब बैक्टीरिया खुश है, बैक्टीरिया अपनी फैमिली बढ़ाता है, बैक्टीरिया की नई नई शादी हुई है तो बैक्टीरिया कहता है मैं अपनी फैमिली बड़ी करूंगा, अपन अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा, तो ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है, तो जब ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है तो मैं क्या कह सकता हूं, तो ये प्लास्मिड है इसकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, जो प्लास्मिड है इसकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, और इस प्लास्मिड की पॉपुलेशन के साथ जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। यस गाइस डिड यू अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड एज, यस गाइस
recombinant DNA technology in which what am I doing? I am increasing the concentration, increasing the number of DNA copies which I have. इसमें मैं कह रहा हूं जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी कॉपीज बना रहा हूं, मल्टीपल कॉपीज. ठीक है, आगे चलते हैं गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब मैंने एंजाइम कौन से यूज करे हैं? मैंने एक एंजाइम करा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यहां पे यूज करा है इसको चिपकाने के लिए. चेपू कौन था? चिपकू. और गम कौन सा था? व्हाट वाज द गम? गम इज गाइस लाइगेज. लाइगेज क्या होता है? इट्स एन एंजाइम व्हिच हेल्प्स टू स्टिक. इसको चिपकाने में मेरी हेल्प करता है. व्हाट द फंक्शन ऑफ वेक्टर? फंक्शन ऑफ वेक्टर इज टू ट्रांसफर द जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना, इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म. देखो बेटा, इस केस में मेरा होस्ट कौन है? इस केस में मेरा होस्ट है बैक्टीरिया. इस केस में मेरा होस्ट क्या है? बैक्टीरिया. और इसमें मेरा पर्पस क्या है? पर्पस इज टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, इसमें मेरा एक्सप्रेस कराने का कोई एम नहीं है, इसमें मेरे को बस कॉपीज बनानी है मल्टीपल. ठीक है, आगे चलते हैं. अब एक बच्चा पूछता है, सर हाउ डू यू सेपरेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट? आपने काट तो लिया डीएनए को, आपने डीएनए को काट तो लिया, यू हैव कट द डीएनए, बट हाउ डू यू सेपरेट द डीएनए? बेटा, वी सेपरेट द डीएनए बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. मतलब डीएनए को काट दिया, उसको सेपरेट कैसे करोगे? वी सेपरेट इट टू द प्रोसेस ऑफ जेल. अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है बेटा? जो हमारा डीएनए होता है इट इज नेगेटिवली चार्ज. डीएनए में क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. डीएनए में क्या चार्ज होता है गाइस? नेगेटिव. ठीक है, अब मैं ये जो एंडोन्यूक्लियस आता है, ये डीएनए पूरा कट जाता है, डीएनए टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं. ठीक है, वेरी गुड. अब ये जो टुकड़े टुकड़े डीएनए हो चुका है, इसको मैं एक जेल में डाल देता हूं. कौन से जेल में डालता हूं? एगरोस जेल में डालता हूं. कौन से जेल डालता हूं? एगरोस जेल में डाल देता हूं. व्हेन आई पुट इट इनटू द एगरोस जेल, उसके बाद क्या होता है बेटा? आई पुट इट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डालता हूं. जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पे डाला, तो जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, इट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. इट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. ठीक है बेटा, वेरी गुड. अब बेटा होता क्या है? द स्मॉलर सेगमेंट दे मूव अ लार्जर डिस्टेंस, वेर एज द लार्जर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए दे मूव अ शॉर्टर डिस्टेंस. मतलब जो मान लो मोटे मोटे डीएनए हैं वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते, बट जो छोटे छोटे डीएनए वो फट से भाग के ज्यादा आगे चले जाते हैं. तो बेस्ड ऑन दिस आई कैन सेपरेट द फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए. यस, कैन यू अंडरस्टैंड हाउ एम आई सेपरेटिंग द डीएनए ऑफ फ्रेगमेंट? यस, वेरी गुड, है ना. द प्रोसेस कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना. उसमें क्या करता हूं मैं? डीएनए इज कट इनटू पीसेस एंड एक्सपोज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. द डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, द डीएनए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, एंड द बिगर पार्टिकल्स मूव लेसर डिस्टेंस, द स्मॉलर पार्टिकल्स मूव टू अ लार्जर डिस्टेंस. है ना बेटा. देन डीएनए फ्रैगमेंट्स, यस गाइस, आर रिमूव्ड फ्रॉम द जेल. यस, वेरी गुड. दे आर विजुअलाइज बाई इथीडियम ब्रोमाइड. बेटा देखो, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, वो दिखते नहीं है, दे आर नॉट ईजी टू सी. तो आई यूज सम केमिकल कॉल्ड एज इथीडियम ब्रोमाइड टू विजुअलाइज द. गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में आता है ये, मेरे एग्जाम में भी आया था, आपके एग्जाम में भी आएगा. ठीक है, देन इथीडियम ब्रोमाइड जब डालते हो आप, देन आफ्टर दैट इफ यू व्यू इट अंडर यूवी लाइट, यस, You can see the orange color का bands. You can see all the color का DNA. ठीक है. Now, अब ये DNA gel में से DNA के निकालने के process को कहते हैं हम elution. क्या कहते हैं? Elution. Elution क्या होता है? DNA को निकालने के process को कहते हैं. DNA में से, yes guys, gel में से DNA को निकालने के उसको कहते हैं elution. ठीक है, separate कर लिया, उसके बाद उसको निकालना भी तो पड़ेगा, उसको कहते हैं हम elution. ठीक है, आगे चलते हैं. Very good. अब बेटा, अब हम वेक्टर के बारे में बात करते हैं. मैं आपको प्लास्मिड बताया था, मैंने कहा था प्लास्मिड नाम की चीज होती है. प्लास्मिड कहां पे होता है? ये बैक्टीरिया के अंदर होता है. बैक्टीरिया का डीएनए है, उसके अलावा एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसको प्लास्मिड कहते हैं. अब बेटा प्लास्मिड, अब कोई वेक्टर होने के लिए ना कुछ कैटेगरी, मतलब यू नो कुछ क्या कहते हैं, आपके पास कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए. फॉर बीइंग अ गुड वेक्टर यू शुड हैव सम क्वालिटीज इन यू, है ना. जैसे कि फॉर बीइंग अ गुड टीचर आई शुड हैव सम क्वालिटीज इन मी, लाइकवाइज बीइंग अ गुड स्टूडेंट यू शुड हैव सम क्वालिटीज. उसी तरह हम हर किसी को वेक्टर नहीं बनाते, उसके हम इंटरव्यू लेते हैं, हम चेक करते हैं कि तुम बनने लायक हो कि नहीं हो. ठीक है, बहुत बहुत टफ कॉम्पिटिशन है इनकी लाइफ में भी, बैक्टीरिया की लाइफ में भी बहुत टफ कॉम्पिटिशन है बच्चा लोग.
बच्चों आपको लगता है कि बस आपकी लाइफ में कंपटीशन है, इसकी लाइफ में बहुत कंपटीशन है। प्लासमेट को भी होनहार होना पड़ता है, ठीक है? कैसे? उसको अपने ऊपर एक ओरी होना चाहिए। उसको बच्चे कहते हैं ओरी, ये ओरी क्या होता है बेटा? ओरी होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब इसके पास ऐसी एक लोकेशन होनी चाहिए जहां पे रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो। मतलब इट शुड हैव, यस इट शुड हैव, यस गाइस इट शुड हैव अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए जहां पे प्रोसेस स्टार्ट हो। मतलब देखो अभी हमें पता है डीएनए है बेटा, डीएनए की कॉपीज बन जाती है, बट ऐसे नहीं डीएनए की कॉपीज बनती। डीएनए की कॉपीज तभी बनती हैं जब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है। डीएनए की कॉपी तभी बनती है जब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, ठीक है? उस सीक्वेंस कहते हैं हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब मान लो मैं भी डीएनए हूं, है ना, और स्नेहा उगाले वो भी डीएनए है, ठीक है? मैं भी डीएनए हूं, स्नेहा उगाले भी डीएनए है, ठीक है? हम दोनों वेक्टर बनना, हम दोनों वेक्टर के आए हैं, ठीक है? मैं भी वेक्टर के लिए आया हूं, स्नेहा भी बनना चाहती है वेक्टर, मैं भी वेक्टर बनना चाहता हूं, है ना? बट मेरे पास ओरी नहीं है, स्नेहा के पास ओरी है। ओरी होने का मतलब क्या है? स्नेहा अपने आप को डबल कर सकती हैं, बट मैं अपने आप को डबल नहीं कर सकता। तो आप किसको चूज करोगे? स्नेहा को चूज करोगे? फिर मैं रोते रोते बाहर चला जाऊंगा कि मैं रिजेक्ट हो गया मम्मा, यस, समझे? तो इसी तरह दूसरा, फिर प्लास्मिड होने के लिए आपके पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर मतलब सेलेक्टेबल मार्कर मतलब हमें पता चल जाए। मान लो स्नेहा वेक्टर है ना? स्नेहा वेक्टर का मतलब क्या है? वो जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके किसी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगी, है ना? तो मतलब स्नेहा के अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए कि जैसे ही वो इंट्रोड्यूस करे जीन ऑफ इंटरेस्ट, वहां पे अलार्म बज जाए, तो हमें पता चल जाए कि भैया जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंच चुका है। और अगर नहीं पहुंचा तो अलार्म नहीं बजेगा। मतलब समझ पा रहे हो? मतलब There is something in Sneha which tells us कि whether gene of मतलब message पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मान लो Sneha is vector मतलब Sneha is like the message giver, तो it is like the blue tick। Sneha के पास blue tick भी हो सकता है। मतलब blue tick होता है ना WhatsApp पे कि message देख लिया गया है, तो हमें पता चल जाए कि message पहुंच चुका है और DNA पहुंच चुका है, उसको कहते हैं हम guys blue tick। तो that is selectable marker, it tells us whether जो हम भेजना चाहते थे message क्या वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, ठीक है? समझ आ रही है बातों को कि ऐसी हवा में चल रही हैं, ठीक है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही किसी को बातें? चलो आगे। इट शुड हैव अ क्लोनिंग साइट। व्हाट शुड हैव गाइस? इट शुड हैव क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट मतलब मतलब स्नेहा के पास पॉकेट्स होने चाहिए जहां पे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब शी शुड बी एबल, स्नेहा के पास बैग होना चाहिए जिसमें वो जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके जा सके, ठीक है? वो क्लोनिंग साइट होना चाहिए। क्लोनिंग साइट मतलब जहां पे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को टाई कर सके, ठीक है? वेरी गुड। देन वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स एंड प्लांट्स आर डिफरेंट। जो प्लांट, अब आप कहोगे, आपको लगेगा कि स्नेहा से हम प्लांट के अंदर भी डीएनए छोड़वाएंगे और एनिमल में भी, ऐसा नहीं होगा। आपको स्नेहा के अलावा एक और को हायर करना पड़ेगा। स्नेहा कहेंगे मैं इतना ज्यादा काम नहीं करती, हाँ मैं या तो प्लांट में ले जाऊंगी या तो एनिमल में ले जाऊंगी, ठीक है? मैं सब सब सबके पास डीएनए लेके जाऊंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए आई लाइक इधर इंक्रीज माय वेज, मेरी सैलरी बढ़ाओ, ठीक है? वरना हम काम नहीं करेंगे, हमें ज़्यादा सैलरी चाहिए, डबल डबल काम करा रहे हो हमसे, ठीक है? तो इसलिए वी विल आई टू बेटा ओरिजिनल रेप्लिकेशन बताया। ओरी क्या होता है बेटा? ओरी इज द प्लेस जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट। इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल, इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉपी नंबर। कॉपी नंबर मतलब, अब ओरी से क्या होता है बेटा? ओरी तो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब रेप्लिकेशन कर सकती है। और मान लो चलो फिर मैं दूसरी कंपनी में गया, अब मैं दूसरी कंपनी में गया, मैंने कहा अब मैंने ओरी है मेरे पास ओरी है, बट अब यहां पर आ गया मेरे से लड़ने दिया, दिया छिप आ गई है, मैं हूं, दिस इज मी, दिस इज दिया छिप। अब मैं रिजेक्ट हो गया, तो मैंने मेहनत करी, फिर मैंने अब ओरी डेवलप कर लिया, ठीक है? रिया छिप के पास भी ओरी है, बट लेकिन ओरी का मतलब क्या था बेटा? कि मैं अपने डीएनए की कॉपी बना सकता हूं। लाइक वाइज स्नेहा ऑल्सो मेक कॉपीज, बट मेरा ओरी थोड़ा वीक है, मेरे ओरी से बस मैं अपने डीएनए की 10 कॉपीज बना सकता हूं, बट स्नेहा, यस सॉरी दिया, दिया अपने से
अपने ओरी से 1000 कॉपीज बना सकते हैं अपने डीएनए की। तो आप किसको सेलेक्ट करोगे जॉब के लिए? मैं बस 10 अपने ओरी से बनाता हूं और दिया अपने ओरी से 1000 बनाते हैं, फिर मैं अपना मुंह नीचे करके बाहर आ जाता हूं। मुझे ये वाली नौकरी भी नहीं मिली, मुझे ये वाली नौकरी भी नहीं मिली। ठीक है, यस, अरे आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग गाइस। अ वेक्टर विद अ हाई कॉपी नंबर इज सेलेक्टेड, अ वेक्टर विद अ हाई कॉपी नंबर इज सेलेक्टेड, है बेटा। सेलेक्टेबल मार्कर, मैंने बताया था सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर मतलब बेटा इट इज दैट मार्कर विच टेल्स अस कि वेदर द डीएनए हैज गॉन और नॉट। ठीक है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम, यस गाइस, सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्म। मतलब देखो, मतलब ये है प्लास्मिड, ठीक है, ये अपना डीएनए लेके आई है दो बैक्टीरिया के पास। यह है बैक्टीरिया नंबर वन, यह है बैक्टीरिया नंबर टू। ठीक है बेटा, ये बैक्टीरिया नंबर वन, बैक्टीरिया नंबर टू। अब क्या हुआ, ये लेके आया डीएनए, ठीक है बेटा, ये लाया जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये जीन ऑफ, अब इस वाले ने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, इसने एक्सेप्ट नहीं करा, तो विच इज द ट्रांसफॉर्मेंट? This one is transformant and this one is non-transformant. समझ पा रहे हो? तो selectable marker मुझे help करता identify करने में कि किसने plasmid से gene of interest ले लिया है और किसने नहीं लिया है। ठीक है, that is selectable marker. मतलब it is like the blue tick वाला चीज है, विचार चलेंगे moving forward. तो selectable markers कौन से होते हैं बेटा? Generally selectable markers ना वो होते हैं amphicillin, chloramphenicol, tetracycline resistance। मैं बताऊँ देखो, अब बेटा आपको क्या लगता है? चलो आपको एक चीज बताता हूँ, ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना, बैक्टीरिया का ये प्लास्मिड है, तो आपको क्या लगता है ये प्लास्मिड क्यों है? ये प्लास्मिड क्यों है? व्हाई इज इट प्रेजेंट? यस गाइस, व्हाई इज दिस प्रेजेंट? प्लास्मिड इज प्रेजेंट व्हाई इन अ बैक्टीरिया? बेटा ये इसलिए प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट बिकॉज, व्हाई इज इट प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट बिकॉज, यस गाइस, इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया। आप लोगों की इम्यूनिटी होती है, हम लोगों की इम्यूनिटी होती है, उसी तरह बैक्टीरिया की भी इम्यूनिटी होती है। सर बैक्टीरिया की इम्यूनिटी? यस, बैक्टीरिया को किससे बचाना होता है? बैक्टीरिया को बेटा अपने आप को बचाना होता है एंटीबायोटिक से। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? एग्जैक्टली, फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अदर ऑर्गेनिज्म विच आर प्रोड्यूसिंग एंटी, यस, बायोटिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला प्लास्मिड बचाता है एम्फिसिलिन से, इस बैक्टीरिया को बचाता है एम्फिसिलिन से, ये वाला प्लास्मिड बचाता है कैनामाइसिन से। ठीक है, अब मैंने जाके इस प्लास्मिड में छेड़छाड़ कर दी, तो क्या अब ये बैक्टीरिया एम्फिसिलिन से बच पाएगा? नहीं। क्या अब ये बैक्टीरिया कैनामाइसिन से बच पाएगा? नहीं। समझ रहे हो? तो यस, दैट इज, दिस इज द थिंग विच आई यूज फॉर सेलेक्टिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने इसको खराब कर दिया है, ध्यान से सुनना, इफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट हैज गॉट इन टू दिस, दैट मीन्स This bacteria will lose resistance to amphicillin. I hope you're understanding. ठीक है, आगे चलते हैं। Guys, ये बहुत ही amazing सा एक vector है, सबसे famous vector दुनिया का, जिसको कहते हैं PBR-322. What is it called? PBR-322. ये दुनिया का सबसे बड़ा famous vector है, क्योंकि हमारे NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, very good. अब बेटा ध्यान से देखो, इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स कितनी सारी है। इसमें बैम H1 की रेस्ट्रिक्शन साइट है, मतलब यहाँ पे बैम H1 एंजाइम काम करता है, यहाँ पे SAL1 एंजाइम काम करता है, यहाँ पे PV2 एंजाइम काम करता है ना बेटा, यहाँ पे PST1, PV2, PVU1, EcoR1, CAL1, HIND3, कैन यू सी, मतलब सो मेनी एंजाइम के लिए इट हैज, यस गाइस, द साइट। समझ पा रहे हो बेटा? मतलब इसको हम कितने भी एंजाइम, मतलब बहुत सारे एंजाइम्स को, यू नो, रेगुलेशन साइट, इसका मतलब इट कैन कैरी लॉट ऑफ डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट। समझ पा रहे हो? ये वो वाला आदमी है जो बहुत ही, क्या कहते हैं, यू नो, एडजस्टिंग है, बहुत ही एडजस्टिंग है, किसी को भी लेके जा सकता है, बहुत ही एडजस्टिंग है ये। ठीक है, इसमें सेलेक्टेबल मार्कर भी है, एम्फिसिलिन रेसिस्टेंस जीन भी है, इसमें टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन भी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर यहां पर इंट्रोड्यूस करा, तो ये वैक्टर क्या करेगा?
एम्पीसिलिन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस लूज कर देगा। सिमिलरली अगर मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे इंट्रोड्यूस करा तो वो क्या करेगा, टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस को लूज कर देगा। तो ये मुझे हेल्प करेगा, मुझे पता करने में हेल्प करेगा कि जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा है कि नहीं लगा है। समझ पा रहे हो? यस, वेरी गुड, आगे चलते हैं। यस, तो क्लोनिंग साइट बेटा, देखो क्लोनिंग साइट में क्या होता है, ठीक है। अब एक जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, मान लो ये मेरा प्लास्मिड है बेटा, एक प्लास्मिड को एक, जैसे कि बैम एच वन था, ये एक एंजाइम है बेटा, एक एंजाइम के लिए एक प्लास्मिड पे बस एक ही साइट होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, मतलब एक एंजाइम को काटने के लिए एक ही साइट। अगर मान लो बैम एच वन के लिए मान लो पांच साइट है, यहां पे भी काट सकता है बैम एच वन, यहां पे भी काट सकता है बैम एच वन, यहां पे भी काट सकता है, तो क्या होगा, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे प्लास्मिड बेचारे के। ये यहां से भी कट जाएगा, यहां से भी कट जाएगा, यहां से भी कट जाएगा। समझ पा रहे, इट विल बी ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस। तो वन, यस गाइस, वन रिकॉग्निशन, वन एंजाइम मस्ट हैव ओनली वन रिकॉग्निशन साइट, नॉट मेनी। हां बेटा, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, इसका डायग्राम एग्जाम में आता है, इसका डायग्राम एग्जाम में आता है वेक्टर का, ठीक है। देन अभी होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मतलब, जैसे कि मान लो जब मैंने यहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला तो क्या हुआ, ये एम्फिसिलिन वाला जो डीएनए है वो इनएक्टिवेट हो गया, जो एम्फिसिलिन का था, दिस बिकेम इनएक्टिवेटेड, दिस इज़ बिकॉज़ आई इंसर्टेड समथिंग, दैट्स व्हाई इट बिकेम इनएक्टिवेटेड। समझ रहे हो? सिमिलरली इफ आई इंसर्ट समथिंग ओवर हियर, द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस विल बिकम इनएक्टिवेटेड, दैट्स व्हाट इज़ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन गाइस। इट इज प्रोसेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ये टेक्निक यूज होती है जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कौन ट्रांसफॉर्मेंट बन चुके और कौन ट्रांसफॉर्मेंट नहीं बने, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है गाइस, आप इसको देखो। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्लू एंड व्हाइट सेलेक्शन। इसमें क्या होता है ना बेटा, इसमें बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द कॉलोनी, कि ब्लू है कि व्हाइट है, मुझे पता चल जाता है कि किसमें ट्रांसफॉर्मेंट डीएनए है और किसमें ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है। ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, प्लीज जाके देखो, बायोटेक्नोलॉजी मैंने यू नो सुपर क्रैश कोर्स में कराया है, प्लीज गो एंड वॉच इट। अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम ज्यादा है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये गाइस, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द प्लांट। कहोगे कैसे बात, देखो बेटा, ये एक है प्लांट, ठीक है, ये है प्लांट, ये है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या करता था, इसको अपना डीएनए देके प्लांट को ट्यूमर दे देता, प्लांट को क्या देता था, ट्यूमर। मतलब बड़ा खतरनाक बैक्टीरिया था, क्या करता था ये, अपने प्लास्मिड से प्लांट को ट्यूमर दे देता था। हमें पता चली ये बात, हमें पता चली, हमने कहा अच्छा ऐसा, तो हमने क्या करा बेटा, इसके अंदर का जो डीएनए था उसको हमने चेंज कर दिया, हमने अब इसको चेंज कर दिया, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए था इसको चेंज करके हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये प्लांट के अंदर क्या ट्रांसफर करता है बेटा, ये प्लांट के अंदर ट्रांसफर करता है जीन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब समझ रहे हो, मतलब देखो, मतलब ध्यान से देखो, मतलब ये बैक्टीरिया, जैसे कि आप घर में डब्बे में देखो, मतलब ये बैक्टीरिया रोज जाता है प्लांट के पास और डब्बे में इसको गाजर का हलवा दे के आता है, ठीक है, प्लांट को गाजर का हलवा देता है। हमने क्या करा, हमने डब्बे में से गाजर का हलवा हटा के हमने भेज दिया रोटी सब्जी, तो और बैक्टीरिया को बताया नहीं, तो यहां पे क्या पहुंचेगा, रोटी सब्जी पहुंचेगी ना। उसी तरह जो हार्मफुल डीएनए है उसको हटा के हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं और बैक्टीरिया को पता भी नहीं चलता, वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट देके आ जाता है। हा हा, क्या बात है, तो आगे चलते हैं। तो गाइस, और ह्यूमंस के लिए और एनिमल के लिए गाइस, वी यूज रेट्रोवायरसेस, वायरस को यूज करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। Here we are using retroviruses for transferring gene of interest. आगे चलते हैं। Yes guys. अब guys जो DNA होते हैं, जो yes guys जो है ना, अब मान लो जो animals होते, जो मतलब जिसके अंदर आपको gene of interest डालना है, gene of interest डालना है, वो लेता नहीं है, वो कहता है मेरे को नहीं चाहिए,
मैं नहीं लूंगा, मैंने बताया उसको, फिर मार पिटाई करके उसको बोलना पड़ता है ले लो ले लो, आपको लेना पड़ेगा। तो गाइस टेक मेकिंग समवन टेक द जीन ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड एज मेकिंग समवन कॉम्पिटेंट। ठीक है, होस्ट को हमें कॉम्पिटेंट, मतलब हमने हमने बहुत मेहनत करी, हमने वेक्टर के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, अब इसके अंदर यह है होस्ट, यह है होस्ट। होस्ट मना कर देता है, मतलब गणेश कहता है मुझे नहीं चाहिए, मैं हिमनीश का डीएनए वीएनए लेके आया, हिमनीश का है ना, मैंने वेक्टर वेक्टर बना लिया, अब मुझे गणेश कहता है मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा तू इधर आ, मैंने उसको पकड़ा गणेश को, गणेश को मैंने क्या करा, गणेश को मैंने, यस गाइस चलो रहने दो, गणेश को नहीं मतलब, तो मैं क्या करूंगा गाइस, मैं डीएनए को आइस पे बैठाऊंगा, 40 आइस पे बैठाऊंगा उसको, फिर 42 डिग्री का हीट शॉक दूंगा, ठीक है, फिर वो अपने आप वो ले लेगा डीएनए, समझ रहे हो। तो मैंने क्या किया, मैंने उस बैक्टीरिया को क्या करा, होस्ट को क्या करा, मैंने होस्ट को पहले आइस पे बैठाया, फिर मैंने होस्ट को, यस गाइस, होस्ट को मैंने हीट शॉक दिया उसको 40 डिग्री, मतलब ठंडा और गर्म दोनों दिया, फिर उसने ले लिया वापस, ठीक है। चलो अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ एल्स कैन आई डू, फिर वो मना कर रहा था नहीं लूंगा। मैंने क्या करा, इंजेक्शन, एक माइक्रो इंजेक्शन होता है, माइक्रो इंजेक्शन से सीधा मैंने डीएनए को उसके अंदर डाल दिया। माइक्रो इंजेक्शन इज यूज फॉर एनिमल सेल, ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन इज यूज फॉर एनिमल सेल। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बायोलिस्टिक और जीन गन, है ना, बायोलिस्टिक और जीन गन इज यूज फॉर प्लांट सेल, ठीक है, गन से सीधा न्यूक्लियस पे मारो गन से, यस गाइस। इसमें क्या करेगा, जीन गन में क्या कर रहे हैं हम, गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल पे, गोल्ड या टंगस्टन पे डीएनए कवर करके उसको सीधा न्यूक्लियस पे मारते हैं, दिस इज कॉल्ड एज गाइस बायोलॉजिक और जीन गन, बायोलॉजिक यूज फॉर प्लांट, माइक्रो इंजेक्शन फॉर एनिमल सेल, ठीक है, वेरी गुड। देन यस गाइस, जैसे कि मैंने बताया था, आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन को भी यूज कर सकते हो, नेक्स्ट, वेरी गुड गाइस। एक होता है गाइस एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये एग्जाम में आता ही आता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन मींस मेकिंग मल्टीपल कॉपीज, एम्पलीफिकेशन मींस मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डीएनए। व्हाट इज एम्पलीफिकेशन ऑफ अ डीएनए मीन, एम्पलीफिकेशन ऑफ अ डीएनए मींस मेकिंग मल्टीपल कॉपीज, ठीक है। उसमें बेटा तीन स्टेप्स होते हैं, एक होता है डीनेचुरेशन, प्राइमर एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। मतलब देखो मैं बताता हूं, मतलब मेरे पास ये डीएनए है, इसकी मुझे मल्टीपल कॉपीज बनानी है, तो पहले मैं इसको मैं डीनेचर करूंगा, डीनेचर मतलब आई विल ओपन इट अप, आई विल ओपन अप द डीएनए, मतलब डीएनए के दोनों आर्म को ओपन करा। डीनेचुरेशन इज डन बाय गाइस हीटिंग द डीएनए, इसको हीट करा और इसको मैंने डीनेचर करा। दूसरा होता है बेटा प्राइमर एनीलिंग, प्राइमर मतलब छोटे छोटे डीएनए के सीक्वेंस होते हैं उसको मैं ज्वाइन करा दूंगा, ठीक है, डीएनए के सीक्वेंस होते हैं छोटे छोटे जो लैब में बनाए होते हैं उसको मैं कर दूंगा। तीसरा होता है बेटा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब अब मैं इसको लंबा, इसको मैं बड़ा करते जाऊंगा, अब मैं इसको बड़ा करते जाऊंगा। नाउ अल्टीमेटली फ्रॉम वन डीएनए आई हैव गॉट टू डीएनएस नाउ, डू यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट स्टेप इज, देखो फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन, मतलब आई हैव सेपरेटेड देम, सेपरेटेड द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए। सेकंड स्टेप में इफ यू कैन सी आई हैव पुट वन जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये प्राइमर है। प्राइमर बेटा व्हाट इज अ प्राइमर, इट इज स्मॉल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दिस स्मॉल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड व्हिच गो एंड अटैच ओवर हियर, ठीक है। देन द थर्ड स्टेप इज गाइस आई यूज डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज क्या होता था, ये वो चीज होती थी जो डीएनए को लंबा कर देती है। पॉलीमरेज इज व्हाट, इट इज द केमिकल और एंजाइम व्हिच एलोंगेट्स द डीएनए। याद है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, याद है डीएनए पॉलीमरेज क्या करता था, वो डीएनए की कॉपी बना देता था। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या करता था, डीएनए को देख के आरएनए बना देता था। यस यस बेटा कुणाल शर्मा, समझ पा रहे हो। तो दिस इज गाइस फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन, मतलब हीट करो उसको अलग करो। फिर होता है प्राइमर, प्राइमर लगाओ, प्राइमर एनीलिंग। थर्ड स्टेप होता है बेटा एलोंगेशन और एलोंगेशन एक्सटेंशन, उसको एक्सटेंड करो, ठीक है। दिस आर द थ्री स्टेप्स और आफ्टर 30 साइकल्स ऑफ दिस वी गेट एम्पली, मतलब वी गेट मेनी कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसमें जो एंजाइम यूज करते हैं गाइस वी कॉल्ड एज टैक पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम है, टैक पॉलीमरेज। क्यों टैक पॉलीमरेज यूज करते हैं बेटा, क्योंकि ये ऐसा पॉलीमरेज है जो कि स्टेज एक्टिव एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। टैक पॉलीमरेज इज ऑब्टेन फ्रॉम अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज थर्मस एक्वाटिकस। ऐसे बैक्टीरिया से निकाला गया थर्मस एक्वाटिकस जो कि हाई टेम्परेचर पे एक्टिव रहता है, क्योंकि एंजाइम, जैसे कि आपको पता होगा एंजाइम क्या करता है बेटा, हाई टेम्परेचर पे एक्टिव नहीं हो पाता, बट ये एक्टिव रहता है
हाई टेम्परेचर क्यों देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, डीएनए को गर्म करूंगा तो क्या होगा, एंजाइम भी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, बट इट डज नॉट हैपन ओवर हियर, ठीक है। यस गाइस, तो वेरी गुड। अब फाइनल चीज होती है बेटा कमर्शियल स्केल पे इसको बनाना, द फाइनल थिंग इज मेकिंग इट ऑन अ कमर्शियल स्केल। उसके लिए गाइस हम यूज करते हैं बायो रिएक्टर्स, एक होता है सिंपल बायो रिएक्टर, एक होता है स्पार्ज स्टर टैंक बायो रिएक्टर, है ना, जिसमें बबल्स आते हैं, इसमें बबल्स नहीं होते, इसमें बबल्स होते हैं, इसमें बबल्स होते हैं, इसमें बबल्स होते हैं तो मतलब ऑक्सीजन होता है, तो इसमें फास्ट होता है, इसमें कम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब बायो रिएक्टर में क्या डालते हैं, हम रॉ मटेरियल्स डाल देते हैं ताकि बैक्टीरिया ग्रो कर सके और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्रोडक्ट बनता जाए, ठीक है बेटा। इसको देख लेना, ये देखो ये है सिंपल स्टर टाइप बायो रिएक्टर, ये है स्पार्ज स्टर, देखो बबल के बबल्स हैं यहाँ पे, इधर बबल्स जो मैं दिखाना चाहता था। मूविंग फॉरवर्ड गाइस, हियर इज अ नीट का क्वेश्चन, डीएनए फ्रैगमेंट जनरेटेड बाय द रेसिपिएंट एनर्जीज इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय, हाउ कैन वी सेपरेट द डीएनए फ्रैगमेंट। गाइस कैन यू सी 2013 में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट द आंसर फॉर दिस, कम ऑन कम ऑन, व्हाट द आंसर फॉर दिस, एग्जैक्टली इलेक्ट्रोफोरेसिस से ये सेपरेट हो सकता है। नी 2012 सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड टैग विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से अटैच हो उसको क्या कहते हैं। नो बेटा इट इज नॉट ए, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है, एग्जैक्टली बेटा सॉलिटरी सही जवाब, सुनिधि रॉन्ग बेटा, इट इज कॉल्ड एज प्रोब, प्रोब प्रोब बेटा वो होता है जो कि ना आपको आइडेंटिफाई, इट इज लाइक अ ट्रांसमीटर, वो नहीं होता आपके पीछे एक ट्रांसमीटर लगाते चिपका देते टू सी वेयर यू आर गोइंग, डिटेक्टिव वगैरह नहीं करते आपके फोन में कुछ सिग्नल कैचर लगा देता ताकि, तो दिस इज दैट। प्रोब में क्या करते हैं बेटा, हम एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को जीन ऑफ इंटरेस्ट से लगा देते हैं, वी अटैच अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विद अ जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो जहां जहां ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जाएगा मुझे पता नहीं क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, दिस रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल विल कीप मी अपडेटेड अबाउट वेयर दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट इट इज। यस आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड। दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन गाइस, द कटिंग ऑफ अ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम्स पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ व्हाट, ये होमवर्क है, इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ और जल्दी से अपने लिए क्लैप कर लो, अपने लिए जल्दी से क्लैप्स कर लो, क्योंकि क्योंकि नो बेटा प्रोब इज नॉट अ सेलेक्टेबल मार्कर, प्रोब इज अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल विच आई टाई टू द जीन ऑफ इंटरेस्ट विच टेल्स मी द लोकेशन ऑफ दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना बेटा। तो गाइस क्लैप्स फॉर यू ऑल, आप लोगों ने बहुत ही अमेजिंग तरीके से एक घंटे में मेरे साथ पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई होप यू आर लाइकिंग द सेशन। यस गाइस डू ऑप फॉर नीट का क्रैश कोर्स, इट इज फॉर जस्ट 6000 रुपीज, इफ यू कैन सी यू कैन यूज द कोड AMRCC to get the 6000 rupees course guys, it's an amazing course guys, I will highly recommend this to you, my session happen every day at 5:30 and Saturday at 8 p.m, I'll see you then guys, do not forget to like the video, share it with your friends, subscribe to the channel and you can follow us on Instagram also, all the teachers are there at Instagram, Amrit_Rajesh my ID, yes। Thank you brother Rashi Bharadwaj, I hope you understood whatever I was teaching, so keep smiling guys, thank you, yes koi doubt about hai pooch lo, बेटा मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बस कर ली किसी तरह, है ना, मैंने सब नहीं करा, ग्रेट अमेजिंग गाइस, सो थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग द सेशन, कीप स्माइलिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सेशन कैसा लगा एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर नॉट डन इट येट, आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।